गाइस क्या आप भी स्टोरी वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो कट होने लगती है, टेक्स्ट सही से ओपन नहीं हो पाता है, क्या आपकी वॉइस ओवर सही से नहीं कर पाते हैं, आपके जो टेक्स्ट चलते रहते हैं उससे एडिटिंग नहीं कर पाते हो। तो गाइस आपको घबराने की बात नहीं, सभी जो स्टोरी वीडियोज होती हैं उनको एडिट करने का तरीका बताने वाला हूँ, कैसे वॉइस ओवर की जाती है, कैसे कहानी लिया जाता है, सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। गाइस अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद फायदा नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में बोल के चले जाना, लेकिन गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप भी स्टोरी वीडियो बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं हाँ वॉइस की तरह वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको स्टोरी लानी होगी, जो स्टोरी कैसे लानी है आपको मालूम होगा दोस्तों, आपको कायन में आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। और गाइस अगर आप कहानी वीडियो बनाना चाह रहे हो उसके लिए जरूरी सबसे पहले कहानी, कहानी कहाँ से लाए तो गाइस आप जानते हैं क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में आपको कहानी एक से एक मिल जाएगा। गाइस वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना या कॉपी कर लेना। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर कहानी लिखूँगा, जैसे देखिए गाइस आपको कहानी यहाँ पर नहीं बल्कि स्टोरी यहाँ पर लिखनी है, स्टोरी इन हिंदी। गाइस इस प्रकार से लिखूँगा आपके सामने देखिए इतने सारे वेबसाइट आएगा, जो पहला या सेकेंड वाले पर क्लिक कर देने एंड गाइस जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे कहानियाँ हमारे सामने शो हो रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि यहाँ से जब कॉपी करेंगे तो हमें कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये वो ऐसे ऐसे। तो गाइस यहाँ से बेफिक्र होकर आप कॉपी राइट विदाउट यहाँ से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, बस यहाँ पर इतने अच्छे से कहानी हमारे सामने शो हो रहा है और कहानी में भी यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने किसी भी कहानी को यहाँ से लेने के लिए सिंपली उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक देखिए कमला ने बाजार से रिक्शा लिया और घर की तरफ चल पड़ी। रिक्शा 18-20 साल का लड़का खींच रहा था। कमला अपनी आदत के अनुसार लड़की से बातें करने लगी। इस प्रकार से देखिए अब कॉपी करना, सिर्फ इस पर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेनी है। जैसे कॉपी करो गाइस यहाँ पर कॉपी करके इसको आना है आपको कैन मास्टर एप्लीकेशन में। देखो जैसे कैन मास्टर एप्लीकेशन में आओगे गाइस आपको यहाँ पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आपको जो भी आपका साइज़ है साइज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद बैकग्राउंड लेनी है, वाइट बैकग्राउंड ले लेनी है। अब दूसरा बैकग्राउंड ले उसको बड़ा कर लेनी है। गाइस बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जल्दी जल्दी चलता है, तो यही प्रॉब्लम है कि जो ये जो हमारा बैकग्राउंड है लेते हैं बिला उसको कम से कम बड़ा कर लेनी है 15 से 20 सेकेंड के। देखिए मैंने 22 सेकेंड के कर लिए उसको, इस प्रकार से आपको रख लेनी है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है मीडिया पर आने के बाद फिर से यहाँ पर डाउनलोड पर आपको यहाँ से एक फ़ोटोज़ ले लें जो बढ़िया सा फ़ोटोज़ है। देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने में जो भी कर रहा हूँ यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से आपको सिंपली कोई सा भी फ़ोटोज़ ले लेनी है, जो भी आप फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं उसी आप रख सकते हैं। देखिए मैं आपके साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ ले लेता हूँ इस प्रकार से। अब इसको थोड़ा छोटा कर देने क्रोप ताकि हमारा जो बैकग्राउंड में छुप जाए। देखिए यहाँ पर क्रोप पर जाना है एंड गाइस इसको इस प्रकार से कर देनी। देखिए इस प्रकार से करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रख देनी है। अब देखिए जिस भी टॉपिक की आपकी वीडियो हो सिंपली वैसा ही फ़ोटो गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करनी है और इसके बाद लाना है। अब इसको टेक्स्ट को ओपन कैसे करना है, देखिए अब यहाँ पर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देनी है। देखो अब यहाँ से जैसे पेस्ट करोगे गाइस यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट है। अब इसको देखिए ये आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से एडिट कर लेनी इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से आपको रख लेनी है। देखिए यहाँ पे अब जो बड़ा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो उसको कट कर देनी है। आपको इतना रखना है इसे हमारा जो होम स्क्रीन में अच्छे से शो हो जाए। देखिए इस प्रकार से रख लेनी है। अब देखिए इसको मैं कलर कर देता हूँ, देखिए इस प्रकार से, लेकिन ये भी हमारी तरफ बड़ा है तो और भी इसको छोटा कर देते हैं। देखिए देखिए इस प्रकार से आपको ले आना है एंड गाइस देखिए लाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डबल ए का, इस पर क्लिक कर देनी है। मैं जैसे क्लिक करूँ यहाँ से आपको फ़ॉन्ट ले लेनी है, जैसे देनोग्राफी ये वाला फ़ॉन्ट आपको चूज़ कर लेनी है। अगर आप में नहीं आ रहा है तो गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। आपको देवनागरी का एक ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, वहाँ पर इस पर जा करके यहाँ पर
आर्या बोल्ट नाम का एक फ़ॉन्ट होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। देखिए मैं इस प्रकार से आपको ले आता, तो देखिए अब हमारा जो वीडियो किस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए, अब देख इस प्रकार से जो हमारा है उसको भी उसी के बराबर कर लेनी, जो पहला वाला बैकग्राउंड है ठीक उसी के लेंथ में इसको भी कर लेनी। देखो अब देखिए गाइस यहाँ पे आप देखिए बहुत ज़रूरी चीज़, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए चाबी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से ले जानी। देखिए यहाँ तक तो जितना भी टेक्स्ट है सबको ऊपर या इस प्रकार से कर लेनी है। अब देखो करने के बाद डन कर देनी है। अब देखो इसे चला कर देखते कैसे चलता है। देखिए देखिए किस प्रकार से हमारी जो एडिटिंग है कितनी अच्छी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, आपको इसे यहीं पर देखिए जैसे ख़त्म होगा यहाँ पर रोक देते हैं। रुकने के बाद फिर से यहाँ पर लेयर पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं और फिर से एक नया टेक्स्ट यहाँ से जो आगे के पार्ट है उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, इस सिंपल तरीके से इस तरीके से मिलते हैं।